अदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो हम आज बहुत ज़्यादा दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, और इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज था संडे, तो मैं संडे को शाम को आज व्लॉग शूट कर रही हूँ जो कि कल आपको मंडे को अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, देख रहे हैं एकदम शाम हो गया, मतलब जो सूर्य भगवान थे वो अस्त होने वाले हैं। तो कोई ना, चलिए। आज मेरी मम्मी बना रही हैं, मतलब बना रही हैं नहीं हैं, भर रही हैं भरुआ मिर्चा, जो लाल मिर्ची होती है वो बहुत महंगा मिल रहा था, कितना कोशिश करने के बाद मिला है, तो मम्मी बना रही हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू। हाँ, भरुआ मिर्चा हम लोग के यहाँ भरुआ मिर्चा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाल मिर्ची तो देख रहे हैं कितना डार्क रेड है, तो ये देखिए इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो पापा रात को लाए थे इसलिए पापा को कुछ ख़राब भी दे दिए हैं लोग, देखिए ब्लैक ब्लैक है। और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था, 600-700 रुपया पल्ला के हिसाब से वो लोग दे रहे थे। तो देखिए, और ये बिना भरा हुआ मिर्चा मम्मी काट काट के रखी है, देखिए पूरा मम्मी काटी है, ऐसे काट काट के रखी है, मम्मी भर रही हैं वो भी हम आपको। ये रहा मसाला और ये रहा भरा हुआ मिर्चा, तो मम्मी भर के रखी हैं और ये मसाला है जो मम्मी ऑलरेडी पहले से रेडी करके रखी हैं। तो मैं मसाले का वीडियो नहीं बना पाई थी, तो शायद सरसों और पता ना क्या क्या इसमें डाली है मम्मी, मेथी वगैरह, तो डाल के मम्मी काफ़ी अच्छे से भून के मसाला रेडी किए हैं। तो देख रहे हैं मसाला काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। तो मम्मी देखिए इसको लकड़ी से कैसे भर रही हैं, उसके बाद से इसको अंगूठी से दबाएंगी ताकि ये इसका जो मसाला है वो निकले ना। तो देखिए वाह कैसे दबा रही हैं, देखिए कितना अच्छा से मम्मी भर रही हैं। तो पूरी मिर्ची को मम्मी ऐसे ही भरेंगी, देखिए तो काफ़ी मेहनत लग रहा है, इससे हाथ जो है वो भी मतलब अजीब सा होने लगता है। तो देखिए मम्मी, और ये मसाला जो है वो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है, लेकिन अभी तीखा लगेगा क्योंकि सरसों ताज़ा है और ये मिर्ची है। तो मम्मी भर रहे हैं, अभी शाम का वक्त हो चुका है तब भी मम्मी अभी तक भर ही रही हैं, ज़्यादा नहीं था फिर भी मम्मी अकेले भर रही हैं क्योंकि मेरे को आता नहीं, तो मम्मी अकेले ही भर रही हैं। हम आ चुके हैं छत पे, छत पे बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आए हैं, तो आप देख सकते हैं छत पे काफ़ी सारा कबाड़ दिख रहा है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है। मेरा एग्ज़ाम होने वाला है इसलिए मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो हम छत पे आते ही नहीं हैं दिन में, और दिन में इतना ज़्यादा धूप रहता है और शाम को कोई आता ही नहीं है, तो इसलिए आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं। और आप लोगों को बहुत दिनों के बाद जिम्मी से भी मिलवाएंगे क्योंकि जिम्मी भी मेरे साथ छत पर आई है। जिम्मी को फिर से, जिम्मी की जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उस पर कोई मतलब अभी फोकस ही नहीं कर रहा है, जिम्मी अकेली रहती है और आपको भी पता है मैं वीडियो भी जिम्मी के साथ नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं जिमी के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो जिमी कहाँ है, देखिए जिमी मेरे पीछे खड़ी है। जिमी, ये रही जिमी, अभी हम आपको दिखाते हैं जिमी। जिमी तो आज जिमी बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आई है, देखिए जिमी कैसे कर रही है। जिमी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो जिम्मी काफ़ी दुबली हो गई है, तो अभी हम आपको जिम्मी से मिला। अपने पुराने अड्डे पे खड़े हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों के बाद छत पे आई है, तो इसलिए वो पुराने अड्डे पे अपने खड़ी है। जिमी क्या देख रही हो बाबू, तो फिर से आज वो देख रही है बाहर क्योंकि मैं लेके छत पे आई हूँ, छत पे इसे अकेले नहीं छोड़ा जाता है कि इधर उधर छलांग लगा देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये देखिए छत पे मेरे साथ शाम के टाइम। जिमी जिमी इधर उधर घूम रही है। जिमी कहाँ जा रही हो बाबू, आओ आओ जिमी, जिमी 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 गेट के पास जा रही है कि गेट खुले और मैं नीचे जाऊँ। जिमी नीचे जाओगी, जिमी इधर आओ, इधर आओ जिमी। और जिम्मा, ओ जिम्मा, जिम्मा। 1, 2, 3, come on. सकते हैं गेहूं जो अच्छे से पक चुका है और पूरा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, जब ग्रीन था तो हम आपको दिखाए थे कि मतलब पूरा छोटा गेहूं था तब भी, अभी तो पूरा पक के अच्छे से इसकी बाली पक चुकी है, तो अब लोग काटना शुरू करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। और देखिए मेरे साथ साथ जिम्मी भी देख रही है छत पे, नीचे देख रही है छत से। जिम्मी क्या देख रही हो, ये आसमान की तरफ देख रही है, चिड़िया पकड़ने की चाहत लगा के बैठी है। और ये देखिए पूरा ब्राउन ब्राउन, लोग अपने खेत में कुछ लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन काफ़ी शाम हो चुका है इसलिए सब कोई घर जा रहा है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है, आप देख रहे हैं कैसे वीडियो आ रहा है,
तो अभी हम जा रहे हैं छत से नीचे। और आज का ब्लॉग जो था वो छोटा ही था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम है तो इसलिए छोटा छोटा ही ब्लॉग बनाएंगे। खैर कोई ना, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जिमी बाय बोल दो। तो जिमी वो खड़ा होकर वेट कर रही है कि कब मैं गेट खोलूँ और फटाक से नीचे जाए। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is